Of MIT School of Government. मैं आज उस जगह पर आया हूं जहां नई दिशा, नई शिक्षा, भारत की आजादी की रक्षा, एक अच्छी एजुकेशन जहां दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, वो यही संस्था है। मैं आप सबका, राहुल जी का, डॉक्टर साहब का, सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अभी मैं बड़ा कुछ सामने देख रहा था, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर लोग सबने अपने अपने विचार रखे होंगे। मैं भी 14 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में आया था। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। काफी जिंदगी राजनीति में ही निकाली, अभी थोड़ा सा सोशल काम में टेरिस विक्टिम फैमिली के लिए जम्मू कश्मीर, झारखंड, पंजाब, जहां जहां टेररिज्म है वहां जाके टेररिज्म के खिलाफ काम करता हूं और स्टूडेंट के साथ बात करता हूं कि हमने आगे टेररिज्म के खिलाफ क्या, कैसे लड़ना है और हमारा रोल आगे क्या होगा। पर मेरा बहुत समय राजनीति में निकलने के बाद मुझे यह जरूर एहसास हुआ कि तू कहां आ गया। बहुत समय निकलने के बाद मैं वही राहुल जी से अभी बात कर रहा था कि राहुल जी, आप अपने काम में मास्टर हैं, हम राजनीति में हैं, राजनीति का हमें पता है, आपको अपने काम का पता है। पर राजनीतिक व्यक्ति कभी भी अपने आप को गलत कहने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा समाज के सामने, स्टूडेंट हो, समाज हो, उसमें यही कहेगा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे से अच्छा तो कोई व्यक्ति नहीं है, मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। पर मैं आपको बता दूं कि यह सोचना गलत है। राजनीति को क्या समझते हैं आप? अब्दुल कलाम जैसे कितने व्यक्ति होंगे, टीएन शेषन जैसे कितने व्यक्ति होंगे, जगमोहन जी जैसे कितने व्यक्ति होंगे। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूं, पर जहां मुल्क की आजादी की रक्षा की बात आ जाए, जब आतंकवाद के मुद्दे की बात आ जाए, जब हिंदुस्तान को कोई आंच आने लगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़े से बड़ा लीडर हो उसका विरोध करे, पार्टी से निकाल दो। भारत माता मेरे लिए पहली है, भारत देश मेरे लिए पहले है। ये बच्चे हैं, ये फ्यूचर हैं हमारे देश का, इनको नई शिक्षा, नया काम, नया जीवन, देश का नाम ऊंचा करना है। ये हमको देखे, ये भी हमारे रास्ते पर चलने की कोशिश करे। आज महात्मा गांधी जी का नाम क्यों लिया जाता है? हर जगह पर महात्मा गांधी जी की फोटो क्यों दिखाई जाती है? आज सुभाष चंद्र जी की फोटो क्यों दिखाई जाती है? उनके इतिहास को क्यों बताया जाता है? क्योंकि आप लोग उनके आदर्शों पे चले। स्वामी विवेकानंद क्यों दिशा दी जाती है? क्योंकि उनके आदर्शों पे चले। थे वो भी लीडर, हैं हम भी लीडर। अब हमारी अगर शिक्षा लोगे, हमें देख के शिक्षा लोगे,
तो बड़ा मुश्किल है मंजिल तक पहुंचना। शिक्षा उन्हीं की लेनी पड़ेगी, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। ये सोचना होगा अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ करके कि हम अपने कर्तव्य को किस किस तरीके से इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, इस भारत की तरक्की के लिए, कोई भी किसी भी लाइन में जाता है, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। ये हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी